pasando. ये चकला मंदिर आता हूँ, चकला मंदिर साम्राज्य होटल है, हिंदी में बात करूँ, हाँ ये चकला साम्राज्य होटल है। हम लोग जस्ट खाना खा के टहलने निकले थे तो एकदम से धमाके की जोरदार आवाज़ हो गई, तो हमने देखने क्या हुआ, तो यहाँ पे जो साम्राज्य हमारा लोकल होटल है वहाँ पे जोरदार, पहले हमने देखे थे आग बहुत छोटी थी, लेकिन एक बोले तो एक दो सेकंड में इतनी आग बढ़ गई, कोई भी हम लोग मतलब फटाफट, मैंने मेरे गणेश के नाम लेके कार्यकर्ता है, तानाजी है, संतोष है, उनको बुलाया, हरचंद भी, बालू भी, और हम लोग ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और इतनी दिक्कत हो गई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए, 101 नंबर बहुत देर तो उठा नहीं था, हम लोग सब लोग ट्राई किए, फिर 101 को फ़ोन लगाया, 102 को लगाया, 103 को लगाया, 104 को लगाया, और लोगों को हम लोग ने शांत किया कि भाई उतरो मत, कोई भी उड़ी मत मारो, रस्सी जो भी है रस्सी है उनको बोला, कोई कपड़ा हो तो कपड़े से नीचे आ जाओ लेकिन कोई भी जंप मत मारो, और इस तरह से मतलब फायर ब्रिगेड भी टाइम पर आ गई और मेरे ख्याल से अभी सब आग ठीक हो गई है, लेकिन अभी वो तरीपन लोग मार लिया लोगों ने। परत महत्वाची गोष्ट आग नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाजू के सारी चीज़ें गाड़ियाँ हैं या होटल है, हमने सबको इलेक्ट्रिसिटी बंद करने बोली क्योंकि आग फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आजू बाजू में पूरा विसिनिटी है, पूरी विसिनिटी गैस का बाटला है वगैरह सब। अभी देखो कुछ पता तो नहीं चला क्योंकि शायद से ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है, क्योंकि उधर उधर जो आग लगी शायद उधर मीटर बॉक्स है और बहुत सारे बड़े फटने की आवाज़ आई, तो एक नागरिक है यहाँ पे बिल्डिंग में रहते, वो बोली कोई सिलेंडर जैसा फूटने की आवाज़ आई, तो सब जन बाहर आ गए, हम लोग भी वही देख के भाग गया है। बोलो मेरे ख्याल से तकरीबन अंदर कितने लोग तो फंसे, लेकिन स्टाफ तो है तो कम से कम 10-15 लोग का तो स्टाफ होगा वो फंसे, क्योंकि ये जो आग लगी वो स्टेयरकेस में ही लगी, तो मतलब भागने का कोई मौका ही नहीं है, जितने लोग होटल में रहने आए थे सब ऊपर अटक गए, कोई आधे नीचे आ गए क्योंकि आने की जगह पे ही आग लग गई। मेरा नाम विशाल गोलपकर, मैं गणेश क्रीड़ा मंडल का कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू। व्हाइट लाइट चा थ्रो चांगला आहे। ना पाड़ते
रूम नहीं चला अंदर चलो अंदर आवाज होटल बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस सिक्स फ्लोर की रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग है। इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे फायर था। होटल में 29 रूम्स ऑक्यूपाइड थे ऐसे हमें अभी जानकारी मिली है। उसमें करीबन 56 गेस्ट थे। 16 लोगों को फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले होटल के लोगों ने स्टेयरकेस के सहायता से निकाला था और 40 लोगों को फायर ब्रिगेड ने स्टेयरकेस है जो दूसरा एक फायर एग्जिट का स्पाइरल स्टेयरकेस है और हमारी लैडर की सहायता से 40 लोगों को निकाला है। ऐसी है हाँ जी फायर सिस्टम तो फायर पंप और राइजर बिठाया हुआ है वो भी उसकी कंडीशन स्टेटस ऑफ इट इज बिंग चेक वो चेक कर रहे हैं हम लोग चालू है या नहीं है चेक कर रहे हैं। अंगार छोटा था वो हिसाब से हमारी गाड़ी की हेल्प से अंगार अभी कंट्रोल में है। फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंग की चालू है कि नहीं उसका हम जानकारी तपास कर रहे हैं। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं सर हॉस्पिटलाइज किए गए हाँ कुछ हम आने के पहले 7 जन को कुपर हॉस्पिटल में भेजा गया है उनको कुपर में ट्रीटमेंट चालू है। कितने उनको क्या इंजरी है एग्जैक्टली नेचर उसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। क्या वजह है कुछ पता चल पाया कि नहीं आगे आग की वजह की भी हम तपास करेंगे अभी उसको टाइम लगेगा बताने में। कितनी गाड़ियां कुल आई हैं आपको बताया जा रहा है? हाँ जी हाँ यहाँ पे 11 गाड़ियां है फायर इंजन है उसमें 8 फायर इंजन 3 टर्न टेबल लैडर है और हमारे 7 टैंकर है 1 एम्बुलेंस है ऐसी गाड़ी आई हुई। लोगों का कहना है कुछ जोरदार धमाका हुआ इसके बाद आप भड़क गई कहाँ पर किस तरह का धमाका हुआ? नहीं उसकी जानकारी हम तपास कर रहे हैं अभी उसका वजह क्या है और क्या धमाके हुए उसकी सब जानकारी हम भी स्टेटमेंट लेके लोगों से विटनेस से अभी जानकारी का काम बाद में हम करेंगे अभी शुरू करेंगे।